केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत देश के उन युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है, जिसमें 4 साल के लिए इन युवाओं को देश की सेना में नौकरी करने का अवसर मिलेगा। हालांकि ये युवा पिछले कई सालों से यहाँ मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में अपना पसीना बहा रहे हैं, लेकिन इस योजना को लेकर इन युवाओं में कुछ अलग ही गुस्सा नजर आ रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? शानू नाम है जी। शानू, 4 साल की नौकरी निकली है फौज में, क्या कहना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जी 4 साल की जगह से सर जी हम बहुत दिन से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, 4 साल की जब से सुनी है जी दिल को शांति नहीं मिली है हमारे को, और जी हम ये कहना चाहते हैं जी 4 साल की जगह से वैसे ही वापस ले जाए जैसा जी इसको कराया गया है जी। हाँ जी, क्या क्या समस्या है और कब से प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पर आप? सर 3 साल हो गए जी, सच बताएं तो 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और जी हम तो ये कहना चाहते हैं इस जो इन्होंने बात कही है सब वापस ले जाए जी। हाँ जी। एक और खिलाड़ी हमारे साथ आए, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या कुछ कहना है। क्या नाम है भैया आपका? मोहित कुमार। मोहित, 4 साल के लिए फौज में नौकरी करने का अवसर मिलेगा, क्या कहते हो? मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं टीओडी का विरोध करता हूँ। क्या कमी, क्या क्यों विरोध कर रहे हो? मैं यहाँ 2015 से रनिंग करता हूँ और मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, इससे बिल्कुल भी। इंडियन आर्मी जो थी पहले उतनी की उतनी होनी चाहिए, 15 साल की तो होनी चाहिए। क्या मानते हो, 2015 से यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो स्टेडियम में और 17 से 21 साल की नौकरी की आयु सीमा रखी गई है, तो क्या आपका समय निकल गया है? बिल्कुल निकल गया, हमारी ओवर एज हो गई हमारी। अब हम बताओ क्या, 2 साल में कोरोना की, 3 साल कोरोना की वजह चले गए, 2 साल हमारे वैसे बेकार हो गए, तो बताओ अब हम क्या करेंगे। अच्छा, घर में कौन कौन है, कैसे घर का खर्चा वगैरह कैसे चलता है, क्या करते हैं? माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं, घर में 2 भाई हैं और बस यही कर रहे हैं, अपना रनिंग कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। एक और खिलाड़ी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, कौन है, आइए। अब क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राहुल राम है। 4 साल की नौकरी दे रही है सरकार, क्यों इसका विरोध कर रहे हो? जी जब सर गलत है, जो सरकार ने फैसला लिया बहुत गलत लिया, युवा बहुत परेशान हो रहे हैं, इससे ओवर एज हो गई है कोरोना के चक्कर में, और अभी इन्होंने 4 साल ही कर दी, 7 साल प्रैक्टिस करते हो लिए, तो ये सरकार को ये फैसला जो लिया उन्होंने वापसी लेना चाहिए और 3 साल की छूट भी मिलनी चाहिए युवाओं को। अच्छा, जैसे कि पिछले 2 साल से लगभग 2.5 साल से नौकरी वैकेंसी नहीं निकली थी, आप लोग पसीना बहाते रहे, तो क्या सपने देखे थे और क्या वो सपने आपके पूरे होंगे या टूट रहे हैं? जी फिलहाल तो टूट ही रहे हैं, और हम सरकार से यही चाहते हैं कि उसे वापसी ले और युवाओं के जो सपने हैं उन्हें पूरा करे। एक और खिलाड़ी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका भैया? गौरव, क्या समस्या है, क्यों इस नौकरी का विरोध कर रहे हो, क्यों नहीं चाहते कि 4 साल के लिए आप फौज में जाएं, देश की सेवा करें? अरे 5 साल तो रेस मारते रहे होगी, अब 4 साल की नौकरी करेंगे क्या? और वैसे भी भारतीय सेना में कम से कम 20 साल तो मिलने चाहिए और इन्होंने और घटा दी, और ट्रेडमैन भी ख़त्म कर दी सर, 21 साल में ओवर हो जाते थे, इन्होंने छूट तो दी नहीं बल्कि उम्र खत्म कर दी और एज खत्म कर दी। पहले 23 साल तक ट्रेडमैन भी देख सकते थे, अब ट्रेडमैन कुछ नहीं है, अब बस 21 साल तक के वो देख। दो मिनट। अच्छा, एक चीज़ और आई, एक खिलाड़ी और बात करना चाहते हैं, कुछ उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, वो भी अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं यहाँ पर। जी बताए, क्या नाम है आपका? आदित्य चौधरी। आदित्य, क्यों नौकरी का विरोध कर रहे हो, 4 साल की नौकरी में क्या समस्या है? विरोध क्यों कर रहे हैं जी सरकार को, ये हम मजदूर किसान ही दिख रहे हैं क्या? पहले तो किसानों पर वो 3 काले कानून लागू कर दिए थे, ठीक है, सुनो तो, अब जो मारे धोरे एक ही चारा आर्मी, इतने बड़े पढ़े लिखे हैं हमें, मारे माँ बाप पढ़ा नहीं पाते उनकी क्वालिटी पे, मारे धोरा आर्मी एक चारा है और ये मारे धोरा चारा था, इन्होंने यो भी छीन लिया। 4 साल हमें, 5 साल तो प्रैक्टिस करते हो, 3 साल की NCC हो, 4 साल की नौकरी करके आदमी कहाँ जाएगा फिर? करेगा जिस तरह से विरोध हो रहा है, और क्या अगला कदम क्या उठाने की तैयारी कर रहे हैं? कदम ये है जी सरकार से, बिल्कुल हम धरने को तैयार है, 1 साल 1.5 साल पढ़े भी रहेंगे, पर हमें विरोध है, हमारी नौकरी 15 साल की करो, 4 साल से हमारा काम नहीं चल रहा है, मजदूर की। तो ये थे वो खिलाड़ी जो पिछले कई सालों से मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में देश की सेना में जाने का सपना देख रहे हैं, और कई सालों से इनको यह पसीना बहाते हुए हो गया है, लेकिन अब जब सरकार ने वैकेंसी निकाली है 4 साल की, तो उस वैकेंसी का ये लोग विरोध कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि वो
इस सरकार की इस योजना का पूरी तरह विरोध करेंगे, अग्निपथ योजना का ये कोई फायदा नहीं उठाना चाहते हैं और ना ही सरकार के इस फैसले से खुश हैं। कैमरामैन किशन सूदन के साथ प्रेम शंकर जनवाणी, न्यूज़ मेरठ।